लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सऊदी अरब के किंग सलमान रूस दौरे पर हैं। हर बार की तरह इस बार भी लंबे चौड़े स्टाफ और भारी भरकम लगेज को लेकर उनका दौरा चर्चा में है। इस बार किंग के साथ 1500 लोगों का स्टाफ, फर्नीचर, कारपेट, गोल्डन स्केलेटर और करीब 800 किलो खाने पीने का सामान गया है। इन सामानों के बारे में चर्चा तब शुरू हुई जब इस हफ्ते कोई सऊदी किंग पहली बार रूस पहुंचा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक किंग के साथ जो सामान और इतने लंबे चौड़े स्टाफ के लिए दो पूरे के पूरे होटल बुक किए गए हैं। रित्ज, कार्लटन और फोर सीजन होटल ने सऊदी से आए गेस्ट्स के लिए अपनी सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। यहां तक कि परमानेंट रेजिडेंस को शिफ्ट कर दिया गया है। स्टेट की RIA Novosti न्यूज एजेंसी के मुताबिक सऊदी किंग के स्टाफ के लोगों से क्रेमलिन के आसपास के 5-स्टार होटल भी पूरे भर गए हैं। होटल का बिल 19.5 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। टेलीग्राफ के मुताबिक किंग के स्टाफ में 25 क्राउन प्रिंस हैं, जो गवर्नमेंट मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनके साथ 125 शेफ, पर्सनल असिस्टेंट और सिक्योरिटी स्टाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रिंस ने होटल स्टाफ की जगह अपने सर्वेंट्स को दे दी है, ताकि उन्हें अपने टेस्ट के मुताबिक कॉफी और खाना पीना मिल सके। किंग के साथ जो सामान में सऊदी रॉयल हाउस का हिस्सा रहे फर्नीचर और कारपेट भी शामिल हैं, ताकि किंग को हर संभव सुख सुविधा दी जा सके। माना जा रहा है कि प्लेन कुछ जरूरी सामान के लिए रोज रियाद के लिए उड़ान भरेगा। इनमें भरपूर मात्रा में फ्रूट्स और हलाल मीट शामिल है, ताकि डेलीगेशन को बेहतर फूड मिल सके।